या क्षेत्र ऐसा है जहां से एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ और पारसनाथ का समोषण लगा। एक शिलालेख 12वीं शताब्दी के शिलालेख में ये पूरा इतिहास वहां लिखा है, मैं खुद आंखों से पढ़ के आया हूं। साल भर में एक बार जरूर उस भूमि को भोग देने जाना चाहिए जहां पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ। यहां तो साक्षात 800 साल पुराना शिलालेख स्पष्ट लिखा है कि यहां पर पारसनाथ विहार करके आए और सठ कमट में ये शिलाएं बरसाई और पारसनाथ भगवान को वही केवल ज्ञान हो गया। और जैसे केवल ज्ञान हुआ कुबेर ने वे शिलाएं सीधी जमा करके और भगवान के समोषण की रचना कर दी। और उन शिलाओं को भी आप देखना, वे शिलाएं पीछे जाना ऐसी कटी है जैसे आप थाली में बर्फी काटते हैं, ऐसी कटी। और मैं किलोमीटरों से घूमा हूं, आधा किलोमीटर में ही मात्र ऐसी शिलाएं मिलेंगी। मैं नदी में बहुत दूर दूर तक गया, जब जगह से कहीं गोल मिलती है कहीं टेढ़ी टूटी मिलती है, लेकिन ऐसे जैसे धागा डाल के काटी, ऐसे ऐसी शिलाएं वो थी। ऐसा एकमात्र भूमि है केवल ज्ञान स्थली, और जिस चट्टान पर प्रभु पारसनाथ बैठे थे मैंने भी उस चट्टान पर 4 महीने प्रतिदिन ध्यान करता था। और ध्यान करते ऐसा लगता था कि भगवान की केवल ज्ञान की वर्णाएं यहां चारों तरफ घूम रही है, ऐसी गूंजती थी वाणी के भगवान बैठे। वो पावन शिला, उस शिला के प्रति मुझे इतना राग हुआ, इतनी श्रद्धा बनी। वो शिला मुझे पारसनाथ भगवान के छुई शिला से इतना राग हो गया, मैंने कहीं इस शिला को कोई तोड़ ना देवे। मैंने उस शिला पे जितने भगवान पारसनाथ के समोषण में केवली हुए हैं उन सारे केवलियों के मैंने चरण स्थापित करा दिए। ये पारसनाथ भगवान के 1000 केवली थे भगवान पारसनाथ के समोषण में, हमने 1000 केवलियों के चरण बनवा दिए। मैंने कि बस ये शिला सदा पूज्य हो जाए और अमर हो जाए। आज भी बन रहा है, नाग नागन के निशान बने हैं धर्मेंद्र पद्मावती के। जिस राजस्थान में किसी भगवान की कृपा नहीं, किसी भगवान ने इस क्षेत्र को नहीं चुना, उस राजस्थान में एक भगवान कमल की बदौलत मुझे मिले। इकलौता अतिशय क्षेत्र तीर्थंकर से पवित्र है, ऐसी भूमि को मैं तो ये कहता हूं जिंदगी में एक बार और ज्यादा राजस्थान से अनुराग हो तो मैं तो ये कहूंगा जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं साल में एक बार उस भूमि को नमन करके जरूर आना। अपना जन्मदिन बिजौलिया में मनाना चाहिए, अपने दादा की पुण्यतिथि बिजौलिया में मनाना चाहिए, शादी की सालग्रह बिजौलिया में मनाना चाहिए। राजस्थान का इकलौता तीर्थ क्षेत्र है बिजौलिया, जहां पारसनाथ भगवान, उसका एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख पारसनाथ पुराण ही पूरी शिला पर लिख दिया, 299 या 290 श्लोक चट्टान के ऊपर लिखे हैं, पूरा पारसनाथ पुराण लिखा जिसका नाम शिखर पुराण है, यानी पारसनाथ के 10 भव उस चट्टान पर लिखने वाले ने क्या सोचा होगा। नदी के चट्टान पर, जिस चट्टान पर पारसनाथ बैठे थे उसी चट्टान पर भगवान का पूरा पुराण लिख दिया, वही चट्टान है, नदी के उस तरफ है ना, तो बड़ी आधी चट्टान तो बाहर है, आधी चट्टान कमरे के अंदर है शिलालेख। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य तीर्थोद्धारक आगम प्रणेता मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के ससंग सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक एवं शांति धारा विधि का मई 2015 से शुभारंभ किया गया है, और इसी विधि से यहां अभिषेक एवं शांति धारा करके श्रावक गण अपना आत्म कल्याण व धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से ये क्षेत्र संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है,
और संपूर्ण भारत से तीर्थयात्री यहां विंध्यावली पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन पूजन करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां एक महा अतिशयकारी कुंड भी है जिसे लोलार की श्रेष्ठी ने खुदवाया था और उसमें से भगवान पार्श्वनाथ की महा अतिशयकारी प्रतिमा प्राप्त कर कुंड के पास यहाँ के मुख्य जनालय का निर्माण कराया। बिजौलिया नगर पश्चिमी रेलवे की दिल्ली मुंबई लाइन से मुख्य स्टेशन कोटा जंक्शन से मार्ग NH 27, कोटा से बिजौलिया वाया डाबी बुधपुरा 75 किलोमीटर का मार्ग है जो क्षेत्र की चार दीवारी के नजदीक से गुजरता है। ये मार्ग भी पक्का है। भीलवाड़ा से 85 किलोमीटर, उदयपुर से 225 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोटा चित्तौड़गढ़ नीमच रेल मार्ग पर मांडलगढ़ व ऊपरमाल स्टेशन से यातायात के साधन सुलभ हैं। यदि आप भी तीर्थ क्षेत्र के विकास में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो हमारे बैंक खाते में न्यौछावर राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। बैंक खाता विवरण, राजस्थान में एकमात्र तीर्थंकर के कल्याणक से पवित्र इस भूमि को एक बार वंदन करके अपने जीवन को धन्य अवश्य करें। ईं ऐं अर्हं वं वं हं सं तं पं वं वं मं नं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं द्वीं द्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावे द्रावे नमो अर्हति भगवती श्रीमती पवित्र तर्जलीं जिन्म विशेषयामि तित् स्वाहा। तीर्थ श्री क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं सं तं पं वं वं मं नं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं द्वीं द्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां दीं दीं हं जं क्षीं क्षीं हं सह जं वं रहय सह क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षें क्षूं क्षौं क्षं क्षै क्षीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रें ह्रें रूं रौं रं रह द्रां द्रीं नमो रते भगवती श्रीमती ठ ठ इति व्रजशान्ति मन्त्रणाभिषेकं करोमि। ॐ श्रेष्ठि महायज्ञनायक श्री लाभचंद जी पटवारी, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्षी सुरेश कुमार जी पटवारी, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्ष श्री कला परिवार, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्ष श्री निर्मल कुमार जी धनोतिया, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्ष श्री गुलाबचंद जी सेठिया, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्ष श्री नरेंद्र कुमार जी बगड़ा, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्ष श्री वेद परिवार, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी हरसोरा, बिजली निवासन से प्रवश्य अग्निनाक्ष श्री धर्मचंद जी काला, बिजली निवासन से प्रवश्य श्रावक्षेत्र श्री प्रेमचंद जी मोहिवाल छोटी, बिजली निवासन से प्रवश्य श्रावक्षेत्र टीकमचंद जी गोधा, बिजली निवासन से प्रवश्य श्रावक्षेत्र श्री भागचंद जी गोधा, बिजली निवासन से प्रवश्य श्रावक्षेत्र श्री चांद बल्ली लोहाड़िया, बिजली निवासन से प्रवश्य श्रावक्षेत्र श्री शरद कुमार जी खटोड भानपुरा, निवासन से प्रवश्य श्रावक श्रेष्ठ श्री नेमीचंद जी सेठिया आरोली, निवासन से प्रवश्य श्रावक श्रेष्ठ श्री कमलेश कुमार जी धनोतिया जांतला, निवासन से प्रवश्य श्रावक श्रेष्ठ श्री महावीर कुमार जी धनोपिया जांतला, निवासन से प्रवश्य श्राविका श्रेष्ठ श्रीमती शशि देवी छाबड़ा, बिजली निवासन से प्रवश्य श्रेष्ठ श्री राजीव जी मंजू जी गायक संगी जयपुर निवासी बिजूरिया प्रवासी से प्रवश्य श्री भारत भूषण जी मंजू जी प्रतीक जी जैन कोशी कला मथुरा निवासी से प्रवश्य श्रीमती वीणा जी संदीप जी अमित जी जैन लखनऊ निवासी से प्रवश्य श्री निमिचंद जी मुकेश कुमार जी दिनेश कुमार जी वेद चेची निवासी से प्रवश्य श्री सुमित प्रकाश जी प्रमिला जी जैन कालका जी दिल्ली निवासी से प्रवश्य श्री अशोक कुमार जी संतोष देवी जी विनायका सूरत निवासी से प्रवश्य श्री महावीर प्रसाद जी दीपेंद्र कुमार जी अनुग्रह सौभाग्यवती नीलम अदिति जैन झालावाड़ निवासी से प्रवश्य गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम उपस्थित समस्त भवजन सकल अभिषेक शांति धारा करते नाम सकल दिगंबर जैन समाज श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र आय नमः। ओम श्रीष्टि महायज्ञ नायक स परिवार सकल यज्ञ नायक स परिवार सकल जन स्व परिवार उपस्थित समस्त भवजन दिगंबर जैन समाज बिजूरिया। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो ह्रते भगवते श्रीमते
पवित्र जलेन जिनावि सेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवार धिरूपकै विष्णुपयामि सुजन्माप्तांजनान सर्वार सिद्धिदान ओम ह्रीं विश्वादि वीरांतान जलेन स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं सुंदर सुगंधित पपु विशेषण श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः ओम ह्रीं श्वेत रहित मनमूत रहित हितमित वचन सहित अतुल बल सहित श्वेत रक्त सहित अष्टाधिक सहस्र लक्षण युक्त श्री समचतुर संस्थान वज्र सम नारायण संतन सुविक्षता विशेषण श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः स्वाहा आकाश गमन विशेषण चतुर्मुख विशेषण दया दृष्टि विशेषण उपसर्ग रहित विशेषण कबुला हार रहित विशेषण श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः भीमरम संपूर्ण कला विशेषण नक्केश वृद्धि रहित विशेषण अपलक विशेषण छाया रहित विशेषण सर्वभाषा विशेषण मैत्री भाव विशेषण श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः भीमरम दिशा निर्मलता विशेषण निर्मलाकाश सर्व ऋतु निर्मल भूमि स्वर्ण कमल सुगंधित पवन जय ध्वनि विशेषण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हं सं तं पं वं वं मं मम हं हं सं सं तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंड खंड जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम झम बम हा यह सा छाम छीम छूम छेम छैम छोम छौम छम छाम छिवीम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्राम द्राम द्रीम द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री सुरेश संजीव मनोज कुमार मनीष कुमार पीयूष कुमार सुहित कुमार शांति भाई रेखा सोनम सानू समय सुनीता जैन साढ़ोड़ा निवासी समस्त परिवार श्री आभार आभार निमित्तम श्री रजनी दीपक वरुण अनंत चक्रेश जैन ऑपरेशन सफल हो सफलार्थम अजय जैन माधुरी भीक्षा दलाली गर्भस्थ रक्षार्थम आभार प्रदर्शन निमित्तार्थम शांतिधारा श्री संदीप कुमार अमित कुमार वीणा रचना दीपका ऋषभ सौरभ भैरवी दीवानसी अनुश्री धर्मेंद्र कर्तव्य नैवेद आनंदी श्री प्रकाश मंजू जैन लखनऊ निवासी मनीष जैन अजय जैन आयुष पीयूष आंशु देवान जैन मुकेश जैन छतरपुरिया सपरिवारा गड़ाकोटा सागर अमित कुमार अभय कुमार विपुल बामना बामना बंडा श्रीमती गोपी भाई पवन कुसुम प्रियम हर्षित हथकरघा केंद्र बम्बई हरीश चंद जैन सरोज राजेश राकेश महेंद्र आदेश नीलम श्वेता कल्पना आस्था आदर्श आर्या अदिति ज्योति मुस्कान शुभम जैन आभानम मनोज जैन मोतीलाल समेली मोनिका महावीर स्नेहलता पंकज एकता जैनी कशिश जैन मीत कावस जैन खांडू कॉलोनी अक्षय कुमार बंडा सागर श्रीपाल जैन अनुभव अनुभूति अनुपेक्षा माया जैन बंडा निवासिनम राजेंद्र कुमार जैन निधि देशना कल्पना जैन गुना समस्त परिवार श्री भागचंद जैन ममता अजय जैन आशीष जैन आरती अमिता जैन दमोह आरोग्यार्थम श्री बाल कॉलोनी वासवाड़ा आरोग्यार्थम राकेश कुमार सुमित जैन आरोग्यार्थम देवेंद्र जैन बनमुंडा कार्य सिद्ध राजकुमार शरद कुमार दीपक सपना रक्षित छपारा मुंगवारी महेश कुमार जैन जयपुर आरोग्यार्थम श्री बिमलामाई अजित भरत आकांत तेजस्वी सविता जैन कमलासा दीपक जैन सागर प्रियर जैन पुलकित सराब गुना जैन आरोग्यार्थम चुल्लक धैर्य सागर आरोग्यार्थम श्रीमती पुष्पलता जैन उज्जैन व्याधि बाधा निवारणार्थम महावीर जी दलाल भीलवाड़ा आरोग्यार्थम ऑपरेशन सफलार्थम सौरभ जैन भयंकर चंद्री जन्म दिवस शुभ अवसर श्री रस्तु श्री पुण्यार्जक श्री कमरीलाल जी अशोक कुमार सुरेश कुमार विमल कुमार पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा राम हूं राम ह्रीम हूं रौम भ्रम रा नम सर्विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहम अभिषेक कारकस्य कामम छिन्छिन्दति कामम क्रोधम पापम वैरम अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिंहादि भयम सर्वस्तु तुष्टिरस्तु